I wake up every minute with a fever dream. I push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hates like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Ground clearance Brezza 2022 का ग्राउंड क्लियरेंस सबको इस कह रहा था इंतजार कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस है कितना ब्रेजा 2022 का, कोई हमें प्रैक्टिकल करके बताए। दोस्तों आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने ब्रेजा 2022 जो कि मेरे पास है VXI मॉडल। आप यहाँ पे देखो, ये मैंने एक यहाँ पे जो मार्क है वो बना रखा है। और ये देखो ये क्या है, 30 सेंटीमीटर का अपने पास है एक स्केल। 30 सेंटीमीटर मतलब 330 mm, जो कि 330 mm है। कंपनी जो हमें क्लेम करती है वो करती है 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस। तो आज करते हैं इसका प्रैक्टिकल, क्योंकि अपने पास है स्केल और अपने पास मैंने ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको रखता हूँ ज़मीन में और ये देखिए ये अपना 18 सेंटीमीटर के आसपास है, मतलब 180 जो mm है वो यहाँ पे जो हाइट है वो ली गई है, क्योंकि ज़्यादा हाइट इसलिए नहीं क्योंकि गाड़ी पे टच भी हो सकती है। तो देखेंगे, और अब मैं इसके ऊपर से आपको गाड़ी गुजार के दिखाऊंगा कि इसके ऊपर से गाड़ी जो है वो जाती है या नहीं जाती, वो सब देखेंगे आज इसके ऊपर से कि गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी। और वैसे अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वैसे मैं आपको एक बार माप के दिखा देता हूँ, आप एक बार आइए मेरे पास। जैसे ये पीछे से है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ये 30 जो सेंटीमीटर है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ये थोड़ा पार्ट और बचता है इतना। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये 30 जो सेंटीमीटर है वो कंप्लीट इसके अंदर जाके भी जगह बच जाती है, आपका जो एक उंगली है वो आराम से आ सकती है पीछे से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। लेकिन जो एग्जॉस्ट जो पाइप है जहाँ से धुआं निकलता है वो यहाँ पे काफ़ी नीचे है। अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो ये देखिए ये टच हो रही है और ये 27 सेंटीमीटर के आसपास जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस मतलब दिख रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ साइड प्रोफाइल की, कि साइड प्रोफाइल में जो अपना ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना मिलता है। अब जैसे आप साइड में आओगे तो साइड में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर बीच से तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने टच किया, ये यहाँ पे 27 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो स्पेस है। लेकिन अगर मैं नीचे देखूँ तो नीचे यहाँ या इसके नीचे एक और यहाँ पे एक वो मिल जाता है आपको, और इसके नीचे आपको एक और मिल जाता है। ये देखिए ये सबसे नीचे जो पार्ट है वो है। तो हम इसकी मापेंगे, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, उसके लिए हम ये क्या करेंगे, ये एक जो टहनी है पेड़ की जो स्टिक है या टहनी है उससे हम एक मेजरमेंट लेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पे ये देखो ये 22 सेंटीमीटर के आसपास जो सबसे नीचे है उसकी 22 सेंटीमीटर के आसपास जो ऊंचाई है वो है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट से, कि फ्रंट से जो है वो कितना क्या इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना क्या है। तो चलते हैं फ्रंट में और देख लेते हैं। अभी हम आगे हैं फ्रंट में, और फ्रंट में अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये जो सामने आप देख पा रहे होगे, तो सामने की बात करूँ तो यहाँ पे ये 20 के आसपास है, सामने से 20 सेंटीमीटर के आसपास 200 mm ये है। तो अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर यहाँ पे आपको एक जो इंजन की कवरिंग है वो मिल जाती है आपको यहाँ पे, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी 19 सेंटीमीटर के आसपास जो है, 190 मिलीमीटर के आसपास जो है वो लग रहा है मेरे को। अभी साइड प्रोफाइल की मैंने बात आपसे कर ली, फ्रंट की कर ली और रियर की कर ली,
अब मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, जो हमने एक अपना एक मापक बना रखा है 19 जो सेंटीमीटर है 190 mm का, तो उसके ऊपर से हम गाड़ी गुजारेंगे, देखते हैं गाड़ी वहाँ पे टच होती है या मतलब वो गिरती है या नहीं गिरती, वो सारी चीज़ें हम यहाँ अभी देखेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने सामने जो ऑब्जेक्ट है वो रख दिया है 190 mm के आसपास, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है, तो अभी ब्रेजा को इसके ऊपर से गुजारेंगे और देखेंगे कि ये गिरता है या नहीं गिरता। और देखते हैं, ये देखिए ये इसके ऊपर से ऑलमोस्ट निकल ही गया, ये देखिए आपने देखा भी होगा, ये देखिए इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मैंने आपको प्रैक्टिकल है जो वो दिखाया, सामने आप देखो ऑब्जेक्ट और सामने आप देखो गाड़ी, ये देखिए बिल्कुल स्लो जो स्पीड है उसके अंदर मैं इस गाड़ी को बैक है जो वो ले रहा हूँ। और इसको देखिए आप कि ये कहीं टच हो रही है या नहीं हो रही है, आप इसको देख के आपको जो आपके डाउट हैं सारे मोस्टली क्लियर हो जाएंगे ग्राउंड क्लियरेंस से लेके, थोड़ी आराम था, ये देखिए। और ये इसके ऊपर से निकल चुकी है सक्सेसफुली जो है निकल चुकी है। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको माप के दिखाऊं, इसको इसका जो ऊपर वाला सिरा है उससे मापेंगे, तो ये जो 18 cm है उसके आसपास जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो हो रहा है। आपने गाड़ी को भी देखा होगा, अभी इसके ऊपर से रिवर्स भी निकाली है मैंने और फॉरवर्ड भी की है, आपने उस चीज़ को भी देखा होगा कि गाड़ी कहाँ लगी है या नहीं लगी, वो भी क्लिप मैं स्लो मोशन में डाल लूँगा उसको, जिससे आपको बिल्कुल पता लगे कि भाई कहाँ से गाड़ी है जो वो टच हुई है या नहीं हुई, वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं इसका जो निष्कर्ष है उस पर आ जाता हूँ। ये जो गाड़ी है कंपनी करती है 200 mm जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसका क्लेम, लेकिन ये प्रैक्टिकल अगर मैं बताऊं तो 180 के आसपास ही है, ये जो मैंने आपको दिखाया ये 180 के आसपास है, mm के आसपास है, जो इसका नीचे जो एक नीचे ना एक पत्ती जो पत्ती है वो लगी हुई है नीचे, तो वो उस पर थोड़ा टच हो रही है आई बार, अब की बार ये नहीं हुई, मैंने कई बार ट्राई की तो इस बार मैंने इसको, क्योंकि क्या है कंपनी 200 mm बोलती है तो मैं उसी हिसाब से अपना यहाँ पे अरेंजमेंट किया था, लेकिन फिर मैंने देखो ये कितना हार्ड वर्क किया आपके लिए, कितना घिसा घिसा के इसको छोटा बनाया, इससे काट काट के स्केल से काटा इसको, तो उसके बाद हम अपना जो मैनेजमेंट है वो ठीक हुआ और 180 mm के आसपास है जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है जो एक प्रैक्टिकल है वो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो लगी है अच्छी तो वीडियो को कीजिए लाइक और जो इतनी मेहनत की है उसके लिए कीजिए एक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप ढेर सारे ठोक दो शेयर, जिससे मेरी वीडियो ये वायरल हो जाए और मेरे सब्सक्राइबर आ जाएं, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो मिलते हैं ऐसी किसी शानदार वीडियो के साथ, जब तक सभी भाइयों को राम राम। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face.